नमस्कार, आज हम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को दी गई फांसी पर प्रकाश डालेंगे। वैसे तो ब्रिटिश सरकार ने अनगिनत भारतीयों को फांसी दी, लेकिन आज हम उन फांसी की बात करेंगे जो आधिकारिक रूप से भारतीयों को दी गई। तो मन व्योम के इंडियन फ्रीडम फाइटर हिस्ट्री एपिसोड्स में आपका स्वागत है। खुदीराम बोस 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। 11 अगस्त 1960 को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल और इस हमले में किंग्सफोर्ड की जान भी नहीं गई थी। अशफाक उल्ला खान 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया। 18 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैटस्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए और 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के लिए 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। मास्टर अमी चंद, दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमी चंद फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ उन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में उन्हें बंदी बनाया गया और 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए और 18 अप्रैल 1898 को फांसी दे दी गई। उनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई और वासुदेव को 8 मई 1899 में फांसी दे दी गई। मदनलाल धींगरा 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक, इनकी हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए और 16 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी दे दी गई। करतार सिंह सरावा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 को उन्हें फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी गाड़ी कांड डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में उन्हें फांसी दी गई। अनंत कन्हारे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी दी गई। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बम के साथ गिरफ्तार किया गया। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दी गई। ब्रज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रिज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार किए गए। 26 अक्टूबर 1934 को फांसी दी गई। कुशाल कुंवर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए। 16 जून 1984 को उन्हें फांसी दी गई। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में फांसी दी गई। जगन्नाथ शिंदे शोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दी गई। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दी गई। सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रगृह पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। 11 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दी गई। ये भारतीय इतिहास के वो क्रांतिकारी हैं जिनका इतिहास के पन्नों में अमर होना आज़ादी के संघर्ष की पहचान है। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।